अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू मैराथन सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेटर के पैटर्न के ऊपर। नाइन्थ क्लास के अंदर आपने लेटर किस तरीके से लिखना है, एग्जैक्ट पैटर्न 2024 के लिए क्या होने वाला है और किस तरीके से आप बोर्ड के अंदर लिख कर आओगे। तो आपने ये याद रखना है, हर साल ये पैटर्न जो है वो इंग्लिश के लिए सेम ही रहता है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो कि आप लोग करते हो, वो मैंने आपके सामने रखनी है, ठीक है। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं अपने लेटर के पैटर्न के अंदर वो ये है कि तो आप पैटर्न में मिस्टेक करोगे, इसका मतलब है आप वहाँ पे अपने नंबर गवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि पैटर्न के हर एक पैटर्न के वर्ड के आपको एक एक नंबर मिल रहा होता है। जैसे कि ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल लिखते हो आपको एक मार्क्स मिलेगा, सिटी एबीसी लिखते हो एक मार्क्स मिलेगा, डेट लिखते हो आपको एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डियर फादर या जो भी सैल्यूटेशन जिसके लिए खत लिख रहे हो आपको एक मार्क्स मिलेगा, सिंसेयरली और इन दोनों का आपको एक मार्क्स मिलेगा। तो 5 मार्क्स आपके पैटर्न के होंगे और बाकी के ये जो पूरी इसको हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ लेटर बोलते हैं, ये बॉडी के आपको जो है वो बाकी के 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर टोटल 10 मार्क्स का ऐसे है आपका लेटर है तो आपको 5 मार्क्स वहाँ पे आपके लेटर के मिल रहे होंगे और 5 मार्क्स जो है आपके पैटर्न और 5 मार्क्स आपकी बॉडी के आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। यहाँ पर अब ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान में रखने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि सबसे पहली बात, बच्चे ना कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, वो यहाँ पर लिख रहे होते हैं ऐसे कैपिटल लेटर्स में एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, इस तरह लिख रहे होते हैं, जो कि गलत तरीके, ठीक है। आपने कैपिटलाइज लिख रहे हैं, पहला वर्ड कैपिटल इसका भी और इसका भी पहला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल, लास्ट पे कॉमा आएगा, सिटी एबीसी अगेन कॉमा, उसके बाद डेट। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं वो डेट पूछते हैं कि भैया किस तरह लिख सकते, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एक तो डेट आप ऐसे लिख सकते हो 14 फेब और 2024, ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हो 24, या आप इस तरह लिख सकते हो फेब, आप मंथ पहले लिख दो फेब 24, फिर आपको कोमा लगाना पड़ेगा। अगर आप दोनों नंबर्स को लिख रहे हो फिर आपको यहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये आप पैटर्न जो है दोनों यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम डियर फादर या जिसको भी हम खत लिख रहे हैं, अगर लेटर लिख रहे हैं, अगर हम सिस्टर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी आप अपनी बुक से याद कर लोगे। लास्ट लाइन हमेशा अपने लिखनी है, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट एम, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट एम, इस तरह की जो भी आपकी एंडिंग लाइन होती है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, ठीक है, और आपने सिंसेयरली और यहाँ पे एक्स वाई जी लिखना है। अब सिंसेयरली की जगह आप लोग 3 चीज़ें लिख सकते हो, एक तो सिंसेयरली है, एक आप अफेक्शनेटली लिख सकते हो और एक आप लास्ट पे लिख सकते हो ट्रूली, ठीक है। ये आप इनमें तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सिंसेयरली कॉमन है, आप जिसके साथ मर्जी लिख दो, सिंसेयरली हर एक के साथ चलता है। अफेक्शनेटली होता है जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि हमारे फादर, हमारे सिस्टर, मदर, जिसको भी हम फैमिली में अगर किसी को खत लिख रहे हैं, क्लोज फैमिली में, तो अफेक्शनेटली आता है। अगर हम दोस्तों को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं, तो हम ट्रूली लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंसेयरली जनरल है, आप किसी के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो था, मैंने आपको मार्क्स के डिवीजन भी बता दिया, और ये आपको अगर लेटर का पैटर्न कर आते हो तो आपके इसके अंदर 10 में से 9-8 मार्क्स या कम पूरे मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती की आपने पैटर्न के अंदर, तो आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। अब जिन बच्चों को अगर लेटर नहीं आता, तो वो ये कहते हैं कि भैया कि हम सिर्फ पैटर्न लिख कर आ जाए और सेंटर में ना लिख कर आए तो हमें मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बॉडी में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि मैं सिर्फ लेटर लिख दूँ और उसके बाद दरमियान में कुछ भी ना लिखूँ और सिर्फ पैटर्न लिख दूँ, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको इनके बाकी के पैटर्न के मार्क्स भी मिलेंगे। अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है कम से कम आपकी एक पेज होनी चाहिए, ठीक है। नाइन्थ क्लास के लिए एक पेज लेंथ जो है वो काफ़ी है, ठीक है। ये हमने पैटर्न पहले आपने लिख दिया, लास्ट पेज तो दरमियान में बाकी जितनी स्पेस बची उसके अंदर आपने खुद से भी आप लेटर लिख सकते हो, जो आपकी बुक में लिखे आप वो वाला लेटर भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो लेटर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना और स्टडी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, टीचर्स को ये वीडियो सेंड करो ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ये पैटर्न जो है वो गाइड कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। बोर्ड एग्जाम हमारे करीब आ रहे हैं, तो अब हमारी जो वीडियोस होंगी वो अब बोर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए सी या टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अल्लाह हाफिज़।